मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सैम आपका वेलकम करता हूँ माय यूट्यूब चैनल लोग संजीव में। आज हम आए हुए हैं देहरादून में। देहरादून के जो बेस्ट होटल हैं उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे आज। और बाकी हमारे सामने जिस होटल में मैं रुका हूँ उस होटल के बारे में अगर हम बात करूँ दोस्तों, उस होटल के बारे में डिटेल्स में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो और किस हिसाब से आप यहाँ पे होटल बुक कर सकते हो। इस होटल में जो रहेंगे दोस्तों चीपेस्ट एंड बेस्ट होटल के बारे में आपको रिव्यू करूँगा। बाकी आप मेरे अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्या अगर कोई पर्सन यहाँ पे आता देहरादून में तो यहाँ पे वो रुक सकता सेफली एंड बेस्ट होटल मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए एक बार मिल लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का नज़ारा कि होटल का बाहर का जो नज़ारा है वो होटल कैसा है, और फिर बाद में रिसेप्शन एरिया से बात करके देखते हैं कि सर से बात करके देखते हैं प्राइस वगैरह उनका क्या रहेगा। चलिए मैं एक बार ना आपको बाहर से दिखा दूँगा। यह है होटल एम्बेसी, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ ये पूरा वहाँ तक है, होम स्टे घर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा होटल है। और बाकी इस होटल की अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा आपको। बाकी अभी हम अंदर जा रहे हैं रिसेप्शन पे, ठीक है, उन सर से बात करते हैं, सर से बात करके बताते हैं कि कैसा क्या रहेगा। ये हम अंदर आ चुके हैं अभी होटल के, तो ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो जा सकते हो। बाकी ये देखिए यहाँ पर ना उनका रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर आपको किचन की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ये सर हैं, तो अभी हम सर से बात करते हैं, ये यहाँ का स्टाफ है। तो हेलो सर, नमस्कार सर। तो सर मैं अभी ना यहाँ पे आया था एक्चुअली देहरादून में, तो इस होटल के बारे में मैंने सुना था, तो इस होटल में हम रुके भी हैं, अच्छा स्टाफ है, काफ़ी अच्छा माहौल मिला। बाकी यहाँ पे एक बार डिटेल बता दीजिए कि कैसे यहाँ पे कोई बुक कर सकता है, और बुक के अलावा यहाँ पर जो प्राइस वगैरह रहते हो क्या रहते हैं सर? सर ये डायरेक्ट भी आप बुक कर सकते हैं। जी होटल का नाम बताइए सर। होटल एम्बेसी है, होटल एम्बेसी ना सर, वाला देहरादून, देहरादून से। और आप यहाँ पर डायरेक्ट भी रूम बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप गोएबीबो makemytripbooking.com से बुक कर सकते हैं। बुक कर सकते हैं सर, तो सर तीन तरह की कैटेगरी है। एक तो हमारे पास डॉर्मेटरी है, हाँ जी हाँ जी, वो हमारी 450 रुपये में पर बेड पर पर्सन, हाँ जी हाँ जी। और हमारे पास दो है, एक स्टैंडर्ड एक डिलक्स। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या रहता है? 900 से स्टार्ट रहता है सर, है ना, 1500 तक जाता है। रूम रूम की अगर मैं बात करूँ सर, मैंने देखा है रूम काफ़ी अच्छे रूम है। बाकी सर एक बार कार्ड दिखा दीजिए, ठीक है, तो कार्ड दिखाने के बाद मैं एक बार देख लेता हूँ, जो भी मेरी ऑडियंस है ना वो आपको दिखा देगी, ठीक है, जो भी आएगा आपको कॉल करके आ जाएगा। ये सर का कार्ड है, ठीक है, होटल का। अगर किसी को कॉल करना है तो कॉल करके आप पूछ सकते हो, बुक भी करा सकते हो। बाकी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, ठीक है, इनका आईडी वगैरह मैं दे दूंगा। बाकी अभी देख लेते हैं, ठीक है, अभी ये सर हैं, ठीक है सर से हम मिल चुके हैं सर, अब हम रूम दिखाएंगे, तो रूम दिखाने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ का कैसा माहौल है और कैसे यहाँ का माहौल के साथ साथ रूम का जो स्टाफ वगैरह है कैसे हैं। देखो ये यहाँ के स्टाफ है, ये अंकल जी, नमस्ते जी, ठीक है, तो ये यहाँ पे है। और बाकी देखो यहाँ पे पार्किंग की अगर हम बात करूँ ना, तो ये तो ना नीचे का बेस फर्स्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डोरमेट्री का रूम की अगर बात करूँ, पहले मैं आपको ना वो रूम दिखा देता हूँ डोरमेट्री, फिर बाद में आपको ना वो जो रूम रहेंगे बाकी के रूम में आप बाद में दिखाऊँगा आपको, ठीक है, पहले ये नीचे के दिखा देते ना। अभी हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए, ठीक है, तो अभी हम डोरमेट्री रूम है, यहाँ पे पार्किंग है, ठीक है, ये पार्किंग एरिया है, तो ये पार्किंग एरिया, बाकी वहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको डोरमेट्री रूम, ठीक है, तो ये यहाँ के डोरमेट्री रूम है, तो काफ़ी शानदार रूम है और एसी रूम रहेंगे ये। ये यहाँ पे डोरमेट्री रूम है, तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा लगेगा जैसे आपके हॉस्टल में आ गए, ठीक है, तो इस टाइप से आपका डोरमेट्री रहेगा। तो बाकी आप यहाँ पे ये रहेगा बेसिक, ठीक है, ये रूम है अलग से। अगर किसी को सेपरेट रूम चाहिए तो आप यहाँ पे सेपरेट रूम में भी आ सकते हो, ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका सेपरेट रहेगा, ये डोरमेट्री का रहेगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आप मतलब फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो तो आप इस टाइप से भी आ सको, काफ़ी अच्छा है, यहाँ का बाहर का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है यहाँ से, ठीक है, तो अभी हम बाकी के जो रूम है वो देख लेते हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं छत पे, ठीक है, ये यहाँ पे ना पैड़ियाँ सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है, तो अभी हम उठाते हैं आपको, ठीक है, इस टाइप से देखो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अभी हम ना ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं हो क्या? ये यहाँ का देखो बाहर का बालकनी है, तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये एसी और नॉन एसी रूम है, ये मेरा सामने वाला, मैंने ये रूम लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर तक ये ना सारे पूरे रूम ही रूम, बहुत अच्छा है, ये फैमिली है एक्चुअली, है ना, होम स्टे टाइप से है, काफ़ी अच्छा होटल। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये बालकनी है, यहाँ का बाहर का नज़ारा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रूम है, होटल्स भी, ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली के साथ में, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको,
बाकी अभी आपको रूम दिखा देते हैं यहाँ का। अरे वाह, ये यहाँ के रूम है, शानदार। ये यहाँ का वॉशरूम, काफ़ी अच्छा वॉशरूम, साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे बालकनी में बाहर भी बैठ सकते हो। तो ये रूम है पहला, बाकी दूसरा दिखा देते हैं। अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो बाहर आने के बाद ये दूसरा रूम है, सेकेंड रूम। तो ये भी काफ़ी बेस्ट रूम है, देखो जिस हिसाब से प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया रूम है, और ज़्यादा कॉस्टली रूम भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। और बाकी क्योंकि देखो मेरा रहता है जो ट्रिप रहता है वो फैमिली से रिलेटेड ही रहता है, तो आप भी आइए यहाँ पे, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये रूम कैसा लगा। अभी हम रूम तो देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे रूम हैं। बाकी हम नीचे जा रहे हैं अभी सर से बात करने के लिए, तो बाकी इनके ना डिटेल्स वगैरह ले लेते, पूछ लेते हैं अगर डिस्काउंट वगैरह का कुछ रहा तो वो भी पूछते हैं। बाकी इतने मतलब देहरादून में ना सीजन की अगर हम बात करें ना, ये रूम भी मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होटल है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। ये ना जो रूम मैं रुका हूँ, ये सबसे बड़ी बात तो फैमिली रूम है, ठीक है, ये घर है जिनका, तो उन्होंने होटल बना रखा है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो प्राइस रहेगा और जो बाकी चीज़ है ना वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। बाकी एक बार रिसेप्शन में जाके पूछ लेते हैं, ठीक है, बाकी अगर होता तो बेस्ट है। अभी हम आ चुके हैं नीचे, ठीक है, रिसेप्शन एरिया पे। तो एक बार सर से हम बात कर लेते हैं। सर रूम तो काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखे थे रूम, ठीक है। अगर कोई मेरे ब्लॉग के थ्रू आता है तो उसको डिस्काउंट वगैरह दोगे ना सर, थोड़ा बहुत जो जेनुअन रहेगा वो देंगे। देखो सर ने आपकी है, और जो भी जेनुअन रहेगा वो जरूर दिया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे आइए, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी आप मेरे पापा को मैसेज भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये रहता है बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो जिससे मतलब मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and